अभिनय वो कला है जो भाषा के सीमित शब्दों से बाहर निकलती है और साथ ही आत्मा के संवेदनशील कोनों को छूने का साहस करती है एक कलाकार अभिनय के माध्यम से किसी फिल्म नाटक या किसी भी प्रकार की प्रदर्शन कला में किसी भी चरित्र को जीवंत बनाने में ना समर्थ होता है यह कला हर भाव हर विचार और भावना को दर्शकों के आगे अद्वितीय प्रकार से प्रदर्शित करती है है ना और जो वास्तव में दर्शकों को एक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करता है बिल्कुल और ये ऐसा इसलिए है हाँ। क्योंकि अभिनय जो है ना वो दिल से निकलता है और शायद इसीलिए दर्शकों के दिल को भी छू जाता है और आज हमारे साथ डी मॉर्निंग शो पर एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं हम स्वागत करेंगे उस मेहमान का जो एक ऐसे अद्भुत कलाकार हैं जिन्होंने थिएटर की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया है साथ ही अगर हम देखें तो चाहे वेब सीरीज हो या फिर फिल्में भी। आ, इनका अभिनय ऐसा रहा है कि कोई भी अछूता नहीं रहा आ, स्वागत करना चाहेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर चित्ररंजन त्रिपाठी जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है चित्ररंजन नमस्कार नमस्कार आ, आपका एक छोटा सा प्रोफाइल है जो हम दर्शकों को दिखाएंगे फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं वो शुरू होगा जी. सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर के रूप में आपने पदभार संभाला है एक एलुमनाई होते हुए इस स्कूल के डायरेक्टर का जो पदभार आपने संभाला है कैसा महसूस होता है अद्भुत जगह पे भगवान ने बिठा दिया आ, जैसे कि आप सबको पता है कि स्कूल की एक गोल्डन लेगेसी है जी तो वहाँ पर आके जहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग जैसे अलकाजी साहब थे प्रोफेसर राम गोपाल बजाज थे ऐसे ऐसे लोगों ने स्कूल को लीड किया है तो वहाँ आने के बाद ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई है और थोड़ी सी स्केरी भी है क्योंकि इतना गोल्डन हिस्ट्री है और उसको कैसे हम आगे लेके जाएं सबके साथ मिलके तो उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा कभी कभी नर्वसनेस भी होता है हाँ। और लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जहाँ पढ़ के गए हैं वो एक परिवार जैसा और खास करके नेशनल स्कूल ड्रामा जो है एक मिनी इंडिया बनती है क्योंकि बहुत सारी जगह से लोग आते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा विशाल अद्भुत ऐतिहासिक जगह पर जब आप जाते हो खुशी बहुत होती है लेकिन खुशी के साथ साथ जिम्मेदारियों को लेकर जब सोचते हैं तो ん नर्वसनेस भी होता है पर ये नर्वसनेस शायद अच्छा है क्योंकि वो आपको बेहतरी की ओर ही ले जाता जी, है जी, है ना? जी, जी। और अगर हम देखें अभी जैसे कि पूरे देश में भारंगम का भारत रंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है और सभी थिएटर प्रेमियों के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा एक बहुप्रतीक्षित उत्सव है जहाँ पर पूरे देश के नाटकों का मंचन होता है और इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरों में इन नाटकों का मंचन हो रहा है तो एज अ डायरेक्टर ऑफ एन इस बार भारंगम में क्या नया हो रहा है थोड़ा सा मैं भारंगम के इतिहास के बारे में बता दूँ 99 नाइन में प्रोफेसर रामगोपाल बजाज जो हमारे डायरेक्टर थे उस टाइम 99 नाइन में उन्होंने ये ख्वाब देखा था और 99 नाइन में ये पहली बार शुरू हुआ था तब ये एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल के रूप लेकर अवतरित हुआ था और करते करते 25 साल इस बार हम मना रहे हैं पच्चीसवा साल और आज के डेट में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल बन चुका है और क्योंकि ये पच्चीसवा साल है इस बार हम लोगों ने इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए पंद्रह शहरों में हम कर रहे हैं दिल्ली समेत पंद्रह वेन्यू है चौदह और वेन्यू है दिल्ली को छोड़ के पंद्रह शहर में हम कर रहे हैं और इस बार हमने रंगदूत के रूप में अ, अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी साहब जो बहुत उनके बारे में क्या बोलूँ सो उनको हमने क्योंकि हमारे ही एलुमनस हैं उनसे बात करी तो बहुत खुशी खुशी वो रंगदूत बने ये एक नई बात हमने शुरू करी है कि एक पॉपुलर कलाकार और एक बेहतरीन कलाकार जो हमारे ही एलुमनस हैं उनको हमने जोड़ा है और इस बार भारत रंग महोत्सव में एक एंथम भी हम लोगों ने बनाया है सो जिसको लिखा है स्वानंद किरकिरे जी ने उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है और देश विदेश से 200 से अधिक नाटक इस बार मंचित हो रहे हैं और इसमें हमने खाली जो चयन चयन प्रक्रिया जो है उसमें जो सब नाटक आए थे उसमें से साठ के करीब नाटक तो हैं ही और विदेशी नाटक दस हैं और दस नाटक जो मनोनीत किया जाता है वो है इसके अलावा फोक थिएटर है ट्रैवल थिएटर है आ, स्ट्रीट थिएटर है मतलब कोई भी एक आ, किसी भी डायरेक्शन में हमने इसको अछूता नहीं रखा है जी बिल्कुल जी। तो भारत रंग महोत्सव के कुछ विजुअल्स हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने हाँ। स्क्रीन पर भारत रंग महोत्सव एन का जो कैंपस है यहाँ के कुछ विजुअल्स हम अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये तो केवल उसकी परिधि का नज़ारा है लेकिन जो नाटकों का मंचन हो रहा है मुझे लगता है कि जो बिल्कुल अद्भुत है जी सभी का मन हो रहा है तो जब आप ट्राइबल थिएटर की बात करते हैं तो ट्राइबल थिएटर को बहुत कम लोगों ने देखा है समझा है और जाना है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भारंगम के मंच पर ट्राइबल थिएटर का प्रदर्शन बहुत बड़ी बात है जी एक्चुअली क्या है कि जो धरोहर है वो उसको हम छोड़ के आगे नहीं जा सकते बिल्कुल हम एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी थिएटर के नाम से हम एक्सपेरिमेंटेशन बहुत सारा करते हैं करना भी चाहिए लेकिन साथ साथ जो हमारा फोक ट्रेडिशन है ट्राइबल ट्रेडिशन है क्लासिकल ट्रेडिशन है वो सबको ले कर चलना बहुत एक अहम बात है और तभी जाके उसकी संपूर्णता की और हम बढ़ सकते हैं इसलिए खाली मॉडर्न थिएटर के नाम से या कंटेम्प्रेरी थिएटर के नाम से इस फेस्टिवल को हम सीमित नहीं रखते हैं हाँ. तो यही कारण है कि सारी चीज़ों को इवन सोलो परफॉर्मेंसेस भी हैं और जान के आपको खुशी होगी कि आ, करीब तेईस महिला निर्देशकों का नाटक है अच्छा। हाँ सो so, और दो सोलो परफॉर्मेंसेस भी हैं एक मीता वशिष्ठ जी बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस हमारे ही और लुबना आरिफ जी, जी वो बॉम्बे बेस्ट एक्ट्रेस उनको बहुत टीवी और सिनेमा में आपने देखा होगा बेहतरीन एक्ट्रेस उनका भी सोलो है तो ये भी एक अच्छा प्रयास है कि हुँ। हुँ। आ, हमारे जो एक अ, समाज का एक अटूट अंग है जो फीमेल्स हैं लेडीज़ हैं हुँ। हुँ। उनका रिप्रेजेंटेशन क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से इसमें हुआ है जी सर ये तो वर्तमान की बात हो गई कि आप एनएसडी के डायरेक्टर हैं और बाकी सब पर यहाँ तक आने का सफर यदि हम जानना चाहें थोड़ा सा तो में जाकर हाँ, तो वो कैसा रहा <laughs> और उसकी शुरुआत कैसे, हुई क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपके फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड था तो आप शायद पहले ही थे जो थिएटर में गए तो शुरुआत कैसे हुई मुश्किल थी थोड़ी शुरुआत मुश्किल तो मुश्किल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर हम गंगोत्री जहाँ से गंगा जी आविर्भाव हुए हैं जी। वहाँ जाकर देखें तो प्लेन तक आते आते मतलब जब प्लेन आ, मैदानी इलाकों इलाकों में आते आते गंगा जी कितना विशाल बन जाती है लेकिन ऊपर जाके देखो तो विशालता उतनी है नहीं और जब झरते हैं जब आप वहाव में जाते हैं तो सामने पत्थर शिलाएं, चट्टान सब आते होंगे उसमें रुकना नहीं होता है चलते 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 और सबसे बड़ी बात है जो मुझे प्रेरणा देती है कि इत, ए, नदी तो बहुत विशाल बन गई गंगा जी सुपरस्टार नदियों में लेकिन क्या बहना उन्होंने छोड़ दिया है हाँ। वो अब भी बह, बह रही हैं निरंतर बह रही हैं वो अपना काम कर रही हैं तो उस तरह से किसी भी इंसान की जो जर्नी है वो शुरू जब करता है तो ये सब चीज़ें होती है और जर्नी एंड नहीं होता है जर्नी आज एन के डायरेक्टर बन गए तो जर्नी एंड हो गया ऐसा कुछ नहीं है ये पड़ाव होता है एंड तो जब आप परमात्मा आपको बुला ले तब तक तो चलता रहता है सो so, संघर्ष और बाकी चीज़ें जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है वो ऐसे करके सबके जीवन में होता है आ, मेरा भी कुछ 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 टेड़ा मेड़ा सब हुआ है हाँ। सम, मेरे मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो हैं पाला एक फॉर्म है फोक फॉर्म है उड़ीसा में उसमें गहाड़ो करके एक कॉन्सेप्ट है जो है वो मेन नरेटर और सिंगर होता है तो वो करते थे अच्छा। सो उनके तो था मतलब हाँ था। हाँ था। हाँ वंश हाँ, में <laughs> मेरे फोर फादर्स भी करते थे हाँ, अच्छा। सो एक लिटरेचर और म्यूजिक का एक माहौल था हाँ। तो आ, फिर जब छोटा था तो रेडियो में गाने वाने सुन के मैं मेरे फादर कहते हैं कि मैं जब गाना सुनता था मैं हूबहू उसको गा लेता था ऐसा कहते हैं तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया अच्छा। उन्होंने ही मुझे पहले गाना सिखाया बट क्योंकि वो पाला फॉर्म के गाने थे मैं गाता था फिर उन्होंने कहा कि किसी गुरुजी के पास तुमको लेकर चलते हैं तो मेरे जो स्वर्गीय गुरु भास्कर चंद्र दास भास्कर चंद्र दास जो है कटक बेस थे मैं उनके घर में रह के आ, म्यूजिक भी सीखा निःशुल्क मतलब बहुत कृपा है और फिर तब मैं रेवंशा कॉलेज में पढ़ रहा था mm. और वहाँ पे मैंने पहली बार मंच पे मैंने अपना पैर रखा mm. और पहली बार मैं मुझे जो कॉलेज में जो कंपटीशन mm. होता है बेस्ट एक्टर मिल गया सो प्रोबेबली आई गॉट सम गुड मोटिवेशन एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी हो गया वहाँ सो आई बिकेम वेरी पॉपुलर सो आई वॉज सिंगिंग एंड एक्टिंग एंड राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट वहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुरू हा? किया था क्योंकि फर्स्ट प्ले में भी मैं ही म्यूजिक अच्छा, डायरेक्टर था अच्छा. तो लेकिन ओडिसी uh, सीख रहा था ओडिसी उड़ीसी वोकल में मैंने संगीत विशारद किया okay. और फिर uh, अचानक एक संडे को उन दिनों संडे को नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म दिखाता था और एक ही चैनल डी डी दूरदर्शन में और सब लोग बहुत बहुत प्रतीक्षित समय होता था संडे को एक बेहतरीन फिल्म देखने का मौका मिलता था स्पर्श देखा मैंने नसीरुद्दीन शाह जी का स्पर्श देखा हमारे कॉलेज में रविंशा शाह कॉलेज क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है वहाँ कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स आते थे तो एक वायलिनिस्ट टाइप का मतलब वायलिन बजाने वाला स्टूडेंट था आनंद वो मुझे पकड़ लेता था कि चलो गाना गाते हैं कुछ करते हैं सो so, जिस तरह से उसकी आंखों का मूवमेंट था हुँ, ऐसे ऐसे करके बातें करना एक के से मैंने पहली बार देखा कि कोई ब्लाइंड का रोल एक ब्लाइंड इंसान की तरह कर रहा है हाँ, अदरवाइज नहीं तो खाली हम कद और कौन क्या हो हाँ, हाँ, करके हाँ, 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 वो एक ब्लाइंडनेस की एक्टिंग तब तक देखा था तो मुझे लगा ये इंसान कौन है जो हु एक ब्लाइंड की तरह एक्टिंग कर रहे हैं

तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर अगेन मैं कल्चरल सेक्रेटरी बना तो मेरा एक ही एम रहता था कि दिन में लोगों को इकट्ठा कर लो और बक 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 करो कुछ करो तो मेरे से स्टूडेंट्स थोड़ा कटते थे कि ये अच्छा। कहेगा प्ले करते हैं चलो क्योंकि सब आई बनने आए थे अच्छा। सो किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं था बट मैंने जैसे तैसे उनको पकड़ के तब मैंने नाटक लिखना शुरू किया और मैं मेरा एम ये होता था कि मेन हाँ। करूं, करूं, दो दो लाइन के रोल में कर दूं। हाँ। तो लेकिन कहते धौली एक्सप्रेस है उड़िया हाँ, फिल्म और शायद बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था उस तरह से हमने कोई मूवी देखी नहीं थी धौली एक्सप्रेस जैसी उसके बाद फिर मुक्केबाज हुआ और उसके बाद फिर वेब सीरीज में से सब सब जाएगा लेकिन त्रिवेदी ही बचेगा <laughs> कमाल मतलब इतना आपने लोगों का प्यार बटोरा थोड़ी सी उसके भी विजुअल्स है हमारे पास दर्शकों के साथ यहाँ शेयर जी, करते हैं वेल सर आपके जितने भी रोल हैं वो हुँ. एक दूसरे से अलग और बेहतरीन रहे हैं पर मैं आपसे ना सीक्रेट गेम्स के त्रिवेदी के बारे में डिस्कस <laughs> करना चाहती हूँ कि जब वो रोल आपको ऑफर हुआ तो आपके दिमाग में उसके रोल के प्रति क्या चीज़ें थी कि कैसे इसको करना है या पर्सपेक्टिव क्या था उस टाइम पे कैसे करना है ऐसा तो अभी तक मैंने सोचा नहीं कभी वो तो। रीज़न ये है कि इतने लोगों को हम दुनिया में देखते हैं एक्टर्स या राइटर या हमारे फील्ड में जो भी लोग हैं हम लोग अगर ब्लाइंड हो जाएं तो हमारा काम नहीं चलेगा हम अगर आहा। आहा। लोगों को देखें इतने सारे लोगों को हम देखते हैं तो उनको देखने के बाद हम उनके बॉडी लैंग्वेज उनके मतलब कितना कुछ इस हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है ब्रेन में, उसमें से कोई एक व्यक्ति थोड़ा उजागर करके वो ले आता है इंसान तो ऐसा कुछ कुछ होता है कि मुझे कहीं से कुछ इंस्पिरेशन पढ़ते पढ़ते कुछ आ जाता है कि इस व्यक्ति की तरह कर किया जा सकता है या उस व्यक्ति की तरह किया जा सकता है क्योंकि अनगिनत लोग आपके मानस पटल में रहते हैं तो उस तरह से और क्या वो ऑडिशन के दे बाद दे जब खबर मिली कि मेरा हो गया है अच्छा। तो आई वॉज थ्रिल्ड क्योंकि डायरेक्टर अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी और नेटफ्लिक्स का पहला सीरीज सो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था बाकी तो सब आपके सामने है जी बिल्कुल अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड्स भी देखें तो आपके जितने अवार्ड्स मिले हैं वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन के लिए हो या एक्टिंग हाँ। के लिए हो आपको डायरेक्शन एक्टिंग म्यूजिक इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड्स मिले हैं तो जब अवार्ड्स की बात करें तो आपके लिए पर्सनली सबसे बड़ा अवार्ड क्या है सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि अगर आप सच कह रहे हैं कि मैं अभिनय अच्छा करता हूँ हाँ। तो सबसे बड़ा अवार्ड वही है अगर कोई मिलके कहता है कि आपको हम, हमने फलां फिल्म में मैं तो कोई स्टार नहीं हूँ ना मैंने कोई दस किलोमीटर का रोल लंबा रोल किया है सो so, उसमें दस किलोमीटर वाले भी होते हैं उसमें दो सौ मीटर वाले भी होते हैं तो जितना भी मिला तो उस हिसाब से जो भी अगर व्यक्ति आके कहे कि हम हमने फलां फिल्म में आपको देखा हमें अच्छा लगा सबसे बड़ा वही है या जब नाटक करते हैं ऑडियंस अगर ताली बजाती है और आके नाटक के बाद मिलके कहती है कि भाई बहुत अच्छा लगा तो वही है कि भाई अवार्ड तो वही है जी बाकी तो प्यार है पांच लोग अगर बैठे हैं तीन अगर आपकी तरफ प्यार जताते हैं तो आपको अवार्ड मिल जाता है गया। <laughs> गया। <laughs> तो खैर इस तरह ये अवार्ड तो आपको मिल ही रहा है आज तक और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस अवार्ड में दिन ब दिन तरक्की होती रहे और ये अवार्ड बहुत ज्यादा आपको मिले जो लोगों के प्यार के रूप में मिल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद की यू